पंजाब केसरी टीवी लाइव में और हम हैं डीसी ऑफिस मिनी सचिवालय जहां एसपी ऑफिस भी है। आपको बताएंगे कि एसपी ऑफिस आखिर क्यों बंद हुआ, खतरा कहां है और क्या ऊना की स्थिति है। तो जिस तरीके से लगातार 15 घंटे की छूट दी जा रही है, इसी बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जब मामले काफ़ी सीमित थे, खतरा इतना बड़ा नहीं था, तो सब कुछ बंद कर दिया गया और अब जबकि खतरा घर द्वार तक पहुंच चुका है तो होटल भी खोल दिए गए, मंदिरों को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है, बाज़ार खुले हैं और पूरी तरह से हर चीज़ खुली है, लेकिन खतरा ऊना में लगातार बढ़ रहा है। खतरा ऊना में लगातार जो है दस्तक दे रहा है। पिछले 4 दिन से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब तो एसपी ऑफिस भी बंद हो चुका है, यहाँ पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। सुबह से ही सैनिटाइजेशन का काम एसपी ऑफिस ऊना में शुरू हो चुका है, आगामी आदेशों तक एसपी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। आगामी आदेशों तक एसपी ऑफिस बंद रहेगा। इसका एक कारण यह है कि यहाँ का एक कांस्टेबल जो है पॉजिटिव आया है, उसे 2 दिन पहले ही सांस लेने में जो है दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में कठिनाई आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और जब उसका कोरोना का जो सैंपल लिए गए कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो एक कांस्टेबल जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी। इसी एसपी ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव जो कांस्टेबल है उसकी ड्यूटी थी, वो पहले ड्यूटी पर आता रहा। तो खतरा जो है पूरे एसपी ऑफिस ऊना को बंद कर दिया गया है आगामी आदेशों तक, यहाँ पे पुलिस तैनात कर दी गई है। सुबह सैनिटाइजेशन का काम जो है वो कर दिया गया था, आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। पुलिस के यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, क्या आदेश है आगे आगामी आदेश के ऑफिस से के हिसाब से हम कर रहे हैं ड्यूटी। क्या कोई एसपी ऑफिस जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अच्छा, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन कब करी यहाँ पे? सुबह ही कर दी जी। आगामी आदेशों तक कोई भी एसपी ऑफिस नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो पुलिस यहाँ पे तैनात है और इसे बंद कर दिया गया है। एहतियातन यहाँ से आपको बताएंगे, सामने एसपी ऊना का कार्यालय है और वहाँ पे बंद कर दिया गया है, किसी को भी जाने की जो है अनुमति नहीं है इसके अंदर। सुरक्षा बल जो है वो किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। अगर आपको रात जो हमने अपडेट दी थी कि 4 लोग जो है पॉजिटिव आए थे जिनमें एक कांस्टेबल था, तो ऊना का बाजार जो ऊना का बाजार वार्ड नंबर 8 है उसको आज कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया जाएगा। 7 नंबर जो वार्ड है उसको भी कर दिया जाएगा, क्योंकि बाजार में जो कांस्टेबल है उसके पारिवारिक सदस्यों की दुकान है, शॉप है और 8 नंबर वार्ड में उसके साथ से ही रास्ता जाता है घर है, तो 2 वार्ड जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है जिला प्रशासन द्वारा। बता दें कि कांस्टेबल अपनी बहन और 2 भांजे जो पहले ही पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि उनके जीजा की दिल्ली में डेथ हुई थी और शव जो है उसकी बहन और भांजे लेकर जो उपमंडल आम के तहत कुठियारी में आए थे और उसके बाद जो तब ये पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है, उनमें संक्रमण है। लोग शोक सभा में जाते रहे, जितनी भी रिवायतें हैं उसके बाद आफ्टर डेथ उनको पूरा किया गया, तो पूरा परिवार जो है वो खतरे में है। हालांकि कल 3 लोगों के ही सैंपल लिए गए, 2 नेगेटिव पारिवारिक सदस्य, 1 पॉजिटिव, हालांकि बाकी परिवार के सदस्यों के सैंपल भरे जाएंगे। कंटैक्ट ट्रेसिंग 13 पुलिसकर्मियों की कंटैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। तो मैं बता दूं कि पिछले कल जो 4 लोग पॉजिटिव आए थे उनमें कटौहड़ कला उपमंडल आमका गांव है, वहाँ की सगी 2 बहनें जो दिल्ली रिटर्न हैं वो पॉजिटिव आई हैं। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष का युवक है, उपमंडल आम के तहत ही पक्का परो गांव है, वहाँ का वह पॉजिटिव है। 3 और ये पुलिस का कांस्टेबल जो है ये पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर
चार लोग कल पॉजिटिव आए थे, उससे पिछले दिन बुधवार को 3 पॉजिटिव आए थे, एक जो था फॉलो अप सैंपल वो भी पॉजिटिव था, उसके पिछले दिन मंगलवार को 6 केस जो है 6 लोग पॉजिटिव आए थे, जिनमें से एक फॉलो अप था, 4 नए केसेस थे। सोमवार को 7 मामले आए थे। तो कोरोना का संक्रमण जो है, कोरोना का हमला लगातार जारी है। एसपी ऊना की बात करें तो एसपी ऊना पहले भी होम क्वारंटीन हो चुके हैं और उसके बाद उनका सैंपल लिया गया था, वो नेगेटिव आया था, फिर ऑफिस शुरू कर दिया गया। तो इससे पहले जो है एक होम गार्ड का जवान ड्यूटी देते हुए पालकवा क्वारंटीन सेंटर में वो पॉजिटिव आया था। 135 लोग थे जिनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग हुई थी, हालांकि वो सभी जो है वो नेगेटिव आए थे। इसी प्रकार 2 CISF के जवान जो है जो दिल्ली से आए वो पॉजिटिव आए, उनकी भी जो पारिवारिक सदस्यों के सैंपल लिए गए नेगेटिव आए। इसी प्रकार जो है एक CRPF का ITBP का जवान जो है वो आया, नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आया, लेकिन जब यहाँ पे सैंपल लिए गए तो पॉजिटिव आया। घर में पार्टी कर दी थी, लेकिन राहत की बात रही कि जो पारिवारिक सदस्य हैं वो उनके सैंपल लिए गए वो नेगेटिव आए। अब जो है नंदपुर में एक व्यक्ति जो दिल्ली रिटर्न था उसने पार्टी कर दी है, उसके जो है सैंपल फॉलोअप सैंपल कुछ दूसरे पारिवारिक सदस्यों के लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा मामला ऊना में है कि ऊना में कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऊना शहर का ये पहला मामला है जहाँ एक कांस्टेबल जो है वो पॉजिटिव आया है, उसका परिवार है, परिवार में वो जब वहाँ डेथ हुई थी वो सारा परिवार वहाँ गया था, वहाँ से लोग यहाँ आए थे तो एक रिवायत को पूरा किया गया। तो खतरा लगातार बढ़ गया है और खतरा एसपी ऑफिस ऊना में पहुंच चुका है। एसपी ऑफिस ऊना जो है बंद कर दिया गया है, सुबह सैनिटाइजेशन की गई है, सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ जो है अदालत है, उसके ऊपर DC ऑफिस है। तो खतरे के बीच में अब शहर के 2 वार्ड जो हैं 7 और 8 वहाँ पे लोगों में भय है और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाएंगे, बफर जोन बनाए जाएंगे, आज पूरी कवायद की जाएगी। कुछ लोगों को आगामी 1 सप्ताह तक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ जो है कांस्टेबल जो पॉजिटिव पाया गया था अस्पताल में दाखिल था, उसे कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। सांस लेने में उसे दिक्कत थी, कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय ऊना में बना हुआ है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 61 मामले जो है 61 मामले यहाँ पे ऊना में हो चुके हैं और 36 के करीब केसेस जो है वो क्योर हो चुके हैं। और बात करें तो 25 के करीब जो है 25 के करीब जो है एक्टिव केसेस है। कल एक ठीक भी हुआ था। लगातार मामले जो है वो बढ़ रहे हैं यहाँ पे ऊना में, चिंता लगातार बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली, असम और मुंबई, अहमदाबाद, बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो संक्रमण उनमें काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव आ रहे हैं लोग। जो 2 बहनें कल पॉजिटिव आई हैं, एक गांव है कटोहर कलां उपमंडल अंब का, वो भी दिल्ली रिटर्न थी। 25 वर्ष का जो युवक आया है पक्का भरोसे, वो भी दिल्ली रिटर्न है। इससे पिछले दिन जो है 2 भाई चुरुड़ू से आए थे, दिल्ली रिटर्न है, वो भी पॉजिटिव थे। तो लगातार जो है बाहर से आने वाले लोग, आगरा से जो व्यक्ति आया वो भी पॉजिटिव आया। तो लगातार लोगों का आना जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखने की बजाय घरों में भेज दिया जा रहा है। घरों में ना उनके बल्कि परिवार संकट में है, बल्कि समाज भी संकट में है और लोग जो है होम क्वारंटीन के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे। बाजारों में काफ़ी भीड़ है, सड़कों पे लगातार रश है, कोई चेक नहीं, कोई किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं है। जब मामले नहीं थे तब पूरा बंद कर दिया गया, लोगों को आना जाना बंद कर दिया गया, हालत जो है वो खराब कर दी गई। लेकिन अब जबकि मामले बढ़े हैं तो छूट दे दी गई है, किसी प्रकार की कोई जांच कहीं पे नहीं है। ये जो है बड़ा चिंता का विषय है। तो फिर से बता दूं कि SP ऑफिस सुनना है और इसे जो है बंद कर दिया गया है। देखना होगा कि आगे कितने लोगों की, 13 लोग जो है कंटैक्ट ट्रेसिंग में पाए गए हैं, 13
उनके भी सैंपल लिए गए लिए जाएंगे जांच के साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा।